Hey everyone, welcome to Biology at Ease. This video is part 2 of Endocrine System lecture series. पिछले वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे उन्हें डिफाइन किया, टारगेट ऑर्गन्स की लोकेशन क्या होती है, हॉर्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी हॉर्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए या फिर लेस सिक्रीशन हो, हाइपो सिक्रीशन हो, तो क्या क्या डिजीजेस हो सकती है। तो मैं आपको सिर्फ उन ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी जिनके सिक्रीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितनी भी डिजीजेस हैं वो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आई होप आपके पास आपकी कॉपी और पेन है ताकि मैं बोलूं तो आप नोट करते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। द एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक टेबल बना दीजिए और उसमें कॉलम्स डिवाइड कर दीजिए। एक कॉलम में आप लिखेंगे ग्लैंड, नेक्स्ट कॉलम में आएगा आपका हार्मोन, तीसरा कॉलम आएगा आपका हाइपर सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन, उसमें डिजीज का नाम आएगा, और हाइपो सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन डिजीज का नाम। कि हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन हो जाए कौन सी डिजीज होगी, हाइपो सेक्रीशन हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी। तो सबसे पहले आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमेगैली इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के केस में जब इंसान अडल्टहुड में पहुंच जाता है, अगर उस दौरान ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन होता है तो एक्रोमेगैली डिजीज होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म का फेस, इंडिविजुअल का फेस गोरिल्ला जैसा हो जाता है। गोरिल्ला लाइक फेस अकर्स इन केस ऑफ एक्रोमेगैली, वेयर एज हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उसमें क्या होता है, जाइगेंटिज्म डिजीज हो जाती है। हाइपो सेक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेस सेक्रीशन हो तो इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म प्रोड्यूस हो जाती है। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, हाइट छोटी रह जाती है, एंड सच इंडिविजुअल्स आर नोन एज ड्वार्फ, DWARFISM, ड्वार्फिज्म। तो हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रन एंड एक्रोमेगैली इन एडल्ट्स, वेयर एज इट्स हाइपो सेक्रीशन कॉजेज ड्वार्फिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स की। जो आपके थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब थायराइड हार्मोन्स की हाइपर सेक्रीशन या हाइपो सेक्रीशन से क्या क्या डिजीज होती हैं, अब आप इसको नोट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपो सेक्रीशन की। हाइपो सेक्रीशन मतलब लेस सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सबसे पहले आता है सिंपल गॉइटर, जिसे कि हम आयोडीन डिफिशियंसी गॉइटर भी कहते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी गॉइटर में क्या होता है, अगर किसी इंसान की आयोडीन इनटेक कम है, अगर किसी की इंसान की बॉडी में आयोडीन की कमी है, तो क्या होता है, उनका थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, प्रोट्रूड करता है बाहर को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन जरूरी है हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। जब इंसान की बॉडी में आयोडीन कम होता है तो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 की लेवल कम हो जाती है। लेकिन इस थायराइड ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। एक बार दोबारा से समझेंगे, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, ह्यूमन बॉडी में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड के साइज को बढ़ा देते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिंपल गॉइटर या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर। इसके बाद आता है कि थायराइड हार्मोन्स के हाइपर सेक्रीशन से कौन सा गॉइटर होता है, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, जिसे कि ग्रेव्स डिजीज या फिर टॉक्सिक गॉइटर भी कहा जाता है। गॉइटर दो टाइप के होते हैं, हाइपो सेक्रीशन वाला गॉइटर जिसे कि सिंपल गॉइटर कहते हैं, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी से होते हैं और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, और दूसरा होता है ग्रेव्स डिजीज या फिर टॉक्सिक गॉइटर, जिसमें कि T3 और T4 की लेवल बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो आप नोट करेंगे, एक्सोथैल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज, जिसे कि टॉक्सिक गॉइटर भी कहा जाता है, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है,
एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है और खुद ब खुद आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ने लग जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड के सेक्रीशन को भी बढ़ाती हैं और उसके साइज को भी बढ़ा देती हैं। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसका वैसे क्या रीजन होता है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड की कमी से अडल्ट्स और चिल्ड्रन में दो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होती हैं, उन्हें नोट करेंगे। इन चिल्ड्रन, बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस क्रेटिनिज्म, वेयर एज इन केस ऑफ अडल्ट्स, अडल्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस मिक्सेडीमा या फिर गल्स डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है गल्स डिजीज किस हार्मोन की कमी से होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट्स कॉजेस मिक्सेडीमा, व्हिच इज आल्सो नोन एज गल्स डिजीज, GULLS गल्स डिजीज, वेयर एज इन चिल्ड्रन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस क्रेटिनिज्म। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, कि एड्रिनल ग्लैंड के डिफरेंट हॉर्मोन्स का हाइपर और हाइपो सेक्रीशन कौन से डिजीज कॉज करता है। तो आप ग्लैंड के वाले कॉलम में लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस क्रशिंग सिंड्रोम। फिर आता है आपका हाइपर सेक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉजेस कॉन्स डिजीज, COONS कॉन्स डिजीज। हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस क्रशिंग सिंड्रोम, हाइपर सेक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉजेस कॉन्स डिजीज, हाइपर सेक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड कॉजेस प्रिकोशियस प्यूबर्टी या फिर स्यूडो प्रिकॉसिटी। ये क्या होती है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें प्यूबर्टी वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो इंसान में जल्दी आ जाते हैं, अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, लाइफ के अर्ली ईयर्स में आ जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ज्यादा सिक्रीट हो जाते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कॉजेस प्रिकोशियस प्यूबर्टी या फिर स्यूडो प्रिकॉसिटी। स्यूडो प्रिकॉसिटी क्या होती है, ऑनसेट ऑफ साइकिल्स, फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी हो जाती है, टीनेज के स्टार्टिंग में ही हो जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गर्ल कोई लड़की टीनेज में भी नहीं पहुंची है और पहले से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन इन फीमेल्स कॉजेस एड्रिनल वरिलिज्म। एड्रिनल वरिलिज्म में क्या होता है, अगर किसी फीमेल बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स का ज्यादा सेक्रीशन हो रहा है तो उसकी बॉडी में मेल लाइक कैरेक्टर्स ज्यादा आएंगे। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइपर सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। इस डिजीज को बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एड्रिनल वरिलिज्म। गायनेकोमेस्टिया, हाइपर सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स इन मेल्स। मेल्स के केस में एस्ट्रोजन हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन गायनेकोमेस्टिया करता है, फीमेल्स के केस में एंड्रोजन हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन एड्रिनल वरिलिज्म करता है। तो ये बात थी एड्रिनल ग्लैंड के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका हाइपो सेक्रीशन हो, इसकी कमी हो, तो बॉडी में क्या होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो तो क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपो सेक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इससे क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से। और डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस में डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन जब बॉडी में हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसमें क्या होती है, यूरिन में जो आपकी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस बाय ADH की डेफिशिएंसी एंड डायबिटीज मेलिटस बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो ये थे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो कि किसी हार्मोन के हाइपर या हाइपो सेक्रीशन की वजह से ह्यूमन बॉडी में हो जाते हैं। आप इस टेबल को प्लीज अच्छे से बनाइएगा, अगर आप टेबल के फॉर्म में नहीं लर्न करना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस में एक एक ग्लैंड को उसके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को नोट कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसा नोट करिए। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इनको एज रिवीजन नोट जरूर पढ़िएगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले भी पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी एटीज फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।